नाज़रीन-ए-किराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन-ए-किराम, जैसा कि आप जानते हैं पहले से भी कि आज 21 जनवरी 2023 की शुरुआत है। आज नया साल, जो ईसवी कैलेंडर के हिसाब से आज नया साल की शुरुआत है। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि आज हज़रत सरकारे मिल्लत यानी सरकार जी रहमतुल्लाह अलैह का जो है आज यौम पैदाइश है, और उसी खुशी में उनकी यौम पैदाइश के मौके पर यानी सरकार जी की यौम पैदाइश के मौके पर, बाबा जान की यौम पैदाइश के मौके पर खुद्दाम कादरी सोशल सर्विस की जानिब से बालाशोर के सुनहट सवाले मोहम्मद और भुजाखिया पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के करीब आप देख सकते हैं जो मुसाफिर खाना तैयार हुआ था, वो मुसाफिर खाना में एक मेगा खतना कैंप लगाया गया है। और बाकायदा पूरे ज़िला से यानी बालाशोर ज़िला के तमाम तर इलाकों से जो है बच्चे को लाया गया है। 100 से ज़ायद बच्चे आज इसी कैंप से खतना होंगे, रस्म खतना उनकी अदा की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोपहर को लंगर का भी इंतज़ाम किया गया है। ये तमाम खुशी इस बात का है कि आज सरकारे मिल्लत यानी बाबा जान यानी सरकार जी का जो है यौम पैदाइश है। इस खुशी के मौके पर जो है यहाँ पे ये तमाम तर अहतमाम किया गया। आइए आपको ले चलते हैं वो जो खतना कैंप के तमाम तर झलकियाँ दिखाते हैं कि किस तरह नज़ारा है, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं और किस तरह इंतज़ाम है, डॉक्टर कहाँ से आए हैं, ये तमाम बातें करवाते हैं, तमाम नज़ारा आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, आप तमाम नज़ारा देखिए कि किस तरह यहाँ पे लोगों की भीड़ है और पूरे ज़िला से लोग आए हुए हैं और खतना जो है बाकायदा तौर पे चल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह बच्चे जो है खतना होकर जो है सोए हुए हैं, कुछ बच्चे खतना हो रहे हैं, डॉक्टर लगातार 3 डॉक्टर की कोशिश के से जो है बच्चों की खतना की जा रही है। और ये बहुत अहम पहल है, बहुत अच्छी कोशिश है कि बाबा जान के जो यौम पैदाइश है आज, और आज जो सरकार जी की यौम पैदाइश के मौके पर ये जो कोशिश है, ये खुद्दाम कादरी सोशल सर्विस की जानिब से जो कोशिश इसकी दाद दी जा रही है, बालाशोर के तमाम जो लोग हैं वो बहुत खुश हैं। और बालाशोर ज़िला के दिगर इलाकों से बच्चे आए हुए हैं, बालाशोर शहर के बच्चे हैं, जालेश्वर से लेकर चांदीपुर तक के बच्चे जो है यहाँ पर शामिल हुए हैं। उनके लगभग 95-100 के लगभग जो है बच्चे जो है खतना इस बार होंगे, रजिस्टर हो चुके हैं और अब तक जो है 7-8 बच्चों का खतना हो चुका है। अब जिस तरह नज़ारा देख रहे हैं, बच्चे खतना होकर सोए हुए हैं, ये तमाम जो नज़ारा बता रहा है कि यहाँ पे किस तरह जो है अच्छा काम किया करने की जो है कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे लोग आए हुए हैं बड़ी तादाद में, एक तरफ जो है खुशियाँ भी है लोगों के चेहरे में क्योंकि आज ईसवी कैलेंडर के हिसाब से जो है नया साल है, जनवरी 2023 की जो है आज शुरुआत है। तो इस मौके पर और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि सरकार जी की यौम पैदाइश के मौके पर ये खतना कैंप रखा गया है बालाशोर के सुनहट में। ये तमाम नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरह बच्चे जो है खतना होकर सोए हुए हैं, बाकायदा बच्चों को खतना करके लेके आया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि किस तरह आप ये देख सकते हैं कि रूम में जो है किस तरह सजाया गया है, बाकायदा बहुत सारे रोज़े पाक का जो है तस्वीर बनाकर जो है रखी गई है और हैप्पी बर्थडे बाबा जान लिखा गया है। ये तमाम नज़ारा आप देख रहे हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको जो कमेटी मेंबरान हैं उनसे आपकी बात करवाते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि किस तरह उन्होंने इंतज़ाम किया है और क्या क्या जो है इसमें अहतमाम किया जाएगा। तो नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे साथ खुद्दाम कादरी सोशल सर्विस के जो सदर हैं शेख फरीद अहमद हैं और शमसुद्दीन कादरी साहब हैं। शेख फरीद अहमद जो सदर हैं उनसे पूछेंगे कि सर आपकी कोशिश आज जो है खुद्दाम कादरी सोशल सर्विस की जो कोशिश है आज मतलब ईसवी कैलेंडर के हिसाब से 2023 की शुरुआत हुई है, जनवरी 1 तारीख है, और सबसे बड़ी बात आज सरकार जी की यौम पैदाइश है और उस मौके पर आप जो है बाबा जान की यौम पैदाइश के मौके पर आप जो है मेगा खतना कैंप रखे हैं, कितना खुशी महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत सारा खुशी महसूस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो गार्ड कमेटी है, इनका बहुत सारा मदद मिला है, यहाँ बालेश्वर वालों का बहुत सारा मदद मिला, तब जाके आज हम लोग कामयाबी के कगार पर खड़े हैं और बाबा जान का यौम पैदाइश को सही तरीके से मना रहे हैं। हम लोग का पहले का जो ये था कुरान खानी फातिया मिलाद वगैरह हो चुका है, उसके बाद खतने का प्रोग्राम शुरू हुआ है। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे इसको आगे से आगे बढ़ाकर दूसरे दूसरे इलाके में करने के लिए आइंदा साल फिर बाबा के वही
अवे में पैदा इस पर। सर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि क्या पैगाम निकलेगा यहाँ से, क्योंकि आज बाबा जान की यौम पैदाइश है और इस मौके पर आपने खुदा में कादरी सोशल सर्विस की जानिब से आपने इतना अहम कदम उठाया है और बहुत बालेश्वर नहीं बल्कि पूरे उड़ीसा से आप लोगों को बधाई मिल रही है, पूछ रहे हैं इस बारे में, तो क्या मैसेज क्या पैगाम देंगे आप? बात है कि ये जो मैसेज है ये है, ये सैयद नसीम अख्तर कादरी का, ये है उनका पहला बात था सोशल सर्विस, लोगों की खिदमत करो तो बड़ी बात है, अल्लाह की इबादत के साथ साथ लोगों की खिदमत भी करना ज़रूरी है। तो उसी को हम लोग अपने जहन में रख के काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप सब लोगों का अगर दुआ रहा तो हम लोग आगे चल के भी इसमें कामयाब रहेंगे। बहुत बड़ी बात है जिस तरह आप सुन रहे हैं कि सरकार जी यानी हज़रत नसीम अख्तर कादरी अलैहि रहमा की जो पैगाम थी कि आप खल्क की खिदमत कीजिए, और वो नज़ारा आज आप देख सकते हैं कि खुदा में कादरी सोशल सर्विस के जो मेंबरान हैं और प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हैं उनकी कोशिश, और बाकायदा पूरा बालेश्वर ज़िला के जो जितने भी इस मेंबरान हैं खुदा में कादरी सोशल सर्विस के तमाम की कोशिश से आज ये मेगा खतना कैंप मुकम्मल होने जा रहा है। हमारे साथ सेक्रेटरी शमसुद्दीन भाई हैं। शमसुद्दीन भाई, ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितने डॉक्टर आज अपना काम अंजाम दे रहे हैं और कितने बच्चों का रजिस्टर्ड हुआ है? 3 डॉक्टर और उनके असिस्टेंट 4 हैं, तो कुल मिला के 7 हैं। डॉक्टर का पूरा टीम है, अभी तक तो 90+ बच्चे हैं और उम्मीद है अब जो आ रहे हैं अभी उनको एंट्री भी ले रहे हैं। मैंने 100 से ज्यादा 100 से ज्यादा बच्चे हो जाएंगे। कितना खुशी महसूस कर रहे हैं? खुशी तो बहुत हो रही है, क्योंकि यूं में पैदाइश आज है बड़े सरकार की, तो हमारे पीर और मुर्शिद हैं तो उन्हीं का तो याद में हम लोग भी कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है और सबको मुबारकबाद भी है, यौम पैदाइश का सबको मुबारकबाद भी है। तो नाज़रीन, वाकई खुशी इस बात की है कि आज सरकार जी की यौम पैदाइश है, यानी बाबा जान की आज यौम पैदाइश है, खुशी क्यों ना हो, क्योंकि आज ईसवी कैलेंडर के मुताबिक भी जनवरी जो है 1 तारीख है और 2023 की शुरुआत है। और सबसे बड़ी बात नाज़रीन, ये जो खतना रस्म खतना, ये इस्लाम का एक अहम रुकन है और इसको जो है अंजाम देना शरीयत में ज़रूरी समझा जाता है, तो वही चीज़ को आज खुदा में कादरी सोशल सर्विस ने बालेश्वर के सुनहट में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको मेगा खतना कैंप रखा था। ये तमाम नज़ारा आप देख रहे थे बालेश्वर के सुनहट से, ये तमाम नज़ारा आप देख रहे थे। इसी के साथ अजीम बालेश्वरी, तर्जुमान न्यूज़ टाइम, बालेश्वर, ओडिशा।